हेलो एवरीवन। तो अभी आप जानते होंगे कि क्या सिचुएशन है। आई होप सभी लोग को आइडिया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसी सिटी में जहाँ पे पूरे इंडिया के लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं, इंडिया के हर कॉर्नर से लोग दिल्ली जाते हैं, अगर दिल्ली जैसे जगह पे हॉस्पिटल की ये सिचुएशन होगी कि डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है गवर्नमेंट से, तो इससे वर्ष कुछ नहीं हो सकता है। क्या हम ऐसे ही देश चाहते थे? इतने दिन से मीडिया बोल रही थी कि हमारा देश ऐसे ग्रो कर रहा है, वैसे ग्रो कर रहा है, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन थे जो हम चाहते थे? लोग मर रहे थे, बंगाल में रैली चल रही थी, और अभी भी बीजेपी सपोर्टर इस बात पे लगे हुए थे कि ममता बनर्जी भी तो रैली कर रही थी। क्या बात है! अभी भी वो अपना तर्क ये देते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्राउंड मतलब क्रिकेट मैच हुआ 70-80 हजार लोगों के बीच में, ये तर्क देते हैं। मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में जो मैच हुआ उसके कारण ही सीजी की ये सिचुएशन हो गई कि सीजी क्रिटिकल कंडीशन पे आ गया। रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ की बघेल जी रिस्पॉन्सिबल है, वो बैठ के मैच देखे। बंगाल इलेक्शन में अगर कोई भी रैली किया है, चाहे ममता बनर्जी रैली की है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इन सबके बीच में हम मोदी जी को बचाने में लगे हुए हैं। हम आईटी सेल इस बीच में लगा हुआ है कि उनको बचा लिया जाए। बीजेपी के बाकी लोगों को आप खराब बोल दो चलेगा, मोदी जी को बचा लिया जाए कि भाई वो तो महान व्यक्ति है, वो तो इतना सारा हमारे लिए सोचते, बंगाल में रैली कर रहे थे, उसमें क्या महानता थी ये नहीं पता मेरे को। सिचुएशन जब कंट्रोल की जा सकती थी तब सिचुएशन कंट्रोल नहीं की गई, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो अब वो मीटिंग कर रहे हैं, जिस समय सिचुएशन स्टार्ट हुई थी उस समय वो बंगाल में रैली कर रहे थे। जहां तक मैं देखता हूं वहां तक मेरे को भीड़ ही भीड़ दिखती है, इतने लोगों का हुजूम। क्या प्रोटोकॉल वहां पे फॉलो हुआ? अभी किसी एक मीटिंग में लाइव कर दिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम, तो प्रोटोकॉल ब्रेक दिखा। यस, प्रोटोकॉल ब्रेक हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रोटोकॉल कब गया, कहाँ गया वो प्रोटोकॉल जिसमें लाखों की भीड़ आप जमा कर रहे थे? कुछ दिन पहले की बात है क्या, जिस समय रैली चल रही थी बंगाल में, उस समय क्या इंडिया में कोरोना नहीं था? उस समय इंडिया में क्या एक भी केस नहीं था? उसके बाद भी मीडिया बंगाल के इलेक्शन में बिजी थी। जब सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो सभी लोगों का ध्यान इस साइड गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल्ली में एक जयपुर गोल्डन जो हॉस्पिटल है वहां 25 लोग घुट घुट के मर गए सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। उन लोगों का दर्द ना हम नहीं समझ सकते क्योंकि 25 लोगों में हम नहीं है। अगर हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स उन 25 लोगों में शामिल होते तो क्या अभी भी बीजेपी कांग्रेस करते? आप अभी भी अंधभक्त समान बात करते? अभी भी मोदी को बचाने की बात करते? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बार बार आईटी सेल उसको स्टेट गवर्नमेंट के साइड में ट्रांसफर कर रहा है, बार बार ये बता रहा है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश में इतना एजुकेटेड लोग नहीं है, लोग एक लिमिट तक ही करेंगे, कितना ही कर पाएंगे। गरीब देश है हमारा, महान और गरीब देश है हमारा। गवर्नमेंट के जो प्रॉपर प्रोटोकॉल हो सकते थे वो वैसे नहीं हुए जैसे होना चाहिए। क्यों क्यों प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं की गई, एक नेशनल प्लानिंग नहीं की गई? मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्या हम रेडी थे? क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों रेडी नहीं थे? हम जब कोरोना का जो फर्स्ट वेव था, जब लॉकडाउन कर दिया गया था, क्या इंडिया में कितने कोरोना हॉस्पिटल
हम लोग बनाए पिछले एक साल में, एक साल हो गया पूरा, तो मेरे को नहीं लगता कि कोरोना के नाम पे कोई हॉस्पिटल डेडिकेटेड। क्यों? चाइना की हम बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिछले बार जब वुहान में जब हुआ था, वो लोग 48 घंटे में हॉस्पिटल रेडी कर दिए थे। हम एक साल में कोरोना के हॉस्पिटल रेडी नहीं कर पाए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोरोना को लेके सीरियस नहीं थी। सब लोग मजाक में लिए, और कोरोना को मजाक में लेना कितना भारी पड़ गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा लापरवाही, क्योंकि उनको क्रेडिट लेने की जब बात आती है तो आगे आ जाते हैं। अब मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे कि लाइट जलाओ, दिया जलाओ, थाली पीटो, क्यों नहीं बोल रहे? अब तो बार बार नहीं आ रहे, उनको तो मीडिया के सामने आने का बहुत इंटरेस्ट है। अब क्यों नहीं आके बोल रहे कि क्या मेडिकल फैसिलिटी है? क्यों आप बार बार आके देश को नहीं बता रहे? बताना चाहिए ना उनको, तो हमेशा क्रेडिट लेने का हमेशा वो आगे रहते। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हम क्रिटिसाइज ना करें, ये सबसे वर्स्ट चीज है। क्रिटिसाइज करने के बनता है, जब उनको क्रेडिट चाहिए होता है तो क्रेडिट मिलता है ना, इतना क्रेडिट लेते हैं, तो जब क्रिटिसाइज की बात आती है तो क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। पूरे देश को ताक में रखते, पूरे देश को। आप बंगाल में रैली कर रहे थे, अमित शाह वो रैली कर रहा था, मोदी जी रैली कर रहे थे, पूरे के पूरे बीजेपी सेंट्रल के जितने मिनिस्टर थे, जितने पावर में मेन बीजेपी के, सबके सब लोग कहाँ थे? बंगाल इलेक्शन में बिजी, और देश यहाँ मर रहा था, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। अभी मैं देख रहा था कि पॉलिटिक्स में दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, नहीं आपकी गलती, बताओ, लोग मर रहे, अभी भी लोगों को पॉलिटिक्स सूझ रहे, क्या बोल सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आप बोल रहे थे कि LG कहाँ गया? अब LG वाला उनको मैनेज करना चाहिए ना, उनको मैनेज करना चाहिए, अब उनकी बात तो कोई नहीं कर रहे। बात ले देके फिर से आ गई स्टेट गवर्नमेंट पे, तो फिर इतने सारे रूल्स चेंज करने की क्या जरूरत थी? जबकि बीच में आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में रखना चाहता था दिल्ली को, LG के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहा था। अब वो LG साहब कहाँ है? जब दिल्ली में लोग मर रहे तो LG साहब कहाँ है? तो गायब हो गए, उनका तो कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। बाकी तो कंट्रोलिंग उनको चाहिए थी। तो यही देश, हमारा महान जो देश है, जो अच्छे दिन हम चाहते थे, वो आ गए। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आज भी देश की ये है कि आज भी देश के एजुकेटेड जो लोग हैं, वो अभी भी देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। आज भी वो लगे हुए कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालने में, अपोजिशन के, कांग्रेस के, स्टेट गवर्नमेंट के। अभी भी मोदी जी को बचाने का ट्राई किया जा रहा है, उन पे उंगली नहीं उठा रहे मीडिया वाले। अभी भी ट्विटर पे उनको महान बताने की कोशिश की जा रही है। अभी महानता दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी ना मरते हुए लोगों को बचाने की जरूरत है। और मेरे को लगता है कि अभी सब लोगों को मिलके फाइट करना चाहिए। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, और ये दिल्ली की बात नहीं है, ये इंडिया के हर स्टेट की बात है, हर डिस्ट्रिक्ट की बात है, हर हॉस्पिटल की बात है। जितने लोग मर रहे उतना बताया नहीं जा रहा है, जो नंबर से वो बहुत कम दिखाए जा रहे हैं। सब लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहे, ट्राई करें कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। प्रॉपर मास्क पहने, डबल मास्क प्रोटेक्शन में रखें, जितना हो सकता उतना केयर करें, नहीं तो जो अच्छे दिन थे वो तो आ चुके हैं। अब मजा करो इन अच्छे दिन का, इन्जॉय करो इन अच्छे दिनों को। बट अभी भी बोल रहा हूँ कि मीडिया, IT सेल, ये लोग अभी भी ना तारीफ करने से बाज नहीं आ रहे मोदी जी की। यही हम चाहते थे अपने देश के लिए, और हो गया फाइनली।
ठीक है, बट मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना, अपने फैमिली का जितना हो सकता उतना केयर करें, अपने आप को बचाए, फैमिली को बचाए। ओके, थैंक यू।